हर शहर अपने अलग जायके लिए बैठा रहता है। वो जायके कुछ ऐसे नामों के साथ एसोसिएट रहते हैं जो उनको संभाल के रखे होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निखारते चले जाते हैं। जब भी हम किसी नए शहर जाते हैं हमें ऐसे कुछ नाम तलाश करने पड़ते हैं जिनके पास वो जायके एसोसिएट हुए बैठे रहते हैं। बॉम्बे में हूँ, इसी काम से निकला हूँ और इस काम के लिए मेरी पहली ड्यूटी ये थी कि मैं वो नाम तलाश करूँ जहाँ जायके मुझे मिलेंगे। शालीमार के सामने खड़ा हूँ, मुंबई का बहुत नामवर रेस्टोरेंट, बहुत पुराना रेस्टोरेंट और तकरीबन 52 साल पुराना रेस्टोरेंट है। बड़े छोटे सारे फिल्म स्टार्स यहाँ पर आके खाना खा चुके हैं, अपने रिव्यूज़ दे चुके हैं। खैर वो एक अलग बात है, हम और हमारी ज़बान आज क्या रिव्यू देती है वो आपको इस कैमरे से हम बताएंगे। अंदर चलेंगे, इनके खानों को बनते हुए देखेंगे, किचन में जाएंगे, उसके बाद वो सारे खाने माहौल को जीने के बाद टेबल के ऊपर लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ज़बान से चखेंगे और उससे पूछकर आपको अल्फाज की शक्ल में मज़ा पहुंचाएंगे। तो इस पूरे प्रोसीजर में आप साथ रहिएगा। ये कौन सी बिरयानी है? ये मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी नहीं, मतलब हैदराबादी है या लखनवी है? बॉम्बे बिरयानी। ये बात मैंने कई बार कही है कि बिरयानियाँ जो हैं वो भी जायकों की तरह और लैंग्वेजेस की तरह हर 100 किलोमीटर के बाद बदल जाती हैं। दिल्ली से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ की बिरयानी का रंग रूप अलग है, यहाँ की बिरयानी की प्रेजेंटेशन अलग है। मैंने इनसे पूछा, भाई ये कौन सी बिरयानी है, लखनवी है, दिल्ली वाली है या हैदराबादी है? तो वसीम साहब जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने कहा, भाई ये बॉम्बे बिरयानी है। साउंड गुड। अच्छा जी, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि बिरयानी के अंदर, बिरयानी में आलू भी है ना? हाँ, यहाँ की बिरयानी में आलू भी होता है। बड़े बारीक चावल हैं, बहुत गहमा गहमी है, बड़ा एक्शन है इस किचन में। शालीमार, दी शालीमार होटल के किचन में हूँ, मामूली बात नहीं है। और एक के बाद एक ऑर्डर्स तैयार हो रहे हैं। ये ब्रेन करी देख कर भाई थोड़ा सा रुकना मुश्किल हो रहा है। ब्रेन करिए भाई साहब, ये क्या चीज़ है? मटन दिल रूबा। क्या बात है भाई, मटन दिल रूबा। और ये बुनाओ, ये भी मटन है, बहुत ही रंग बिरंगे बड़े। देखिए मैं फिर वही बात कहूँ कि जब चीज़ नज़र को अच्छी लगती है तो वही वो दिमाग को बताती है इसको गौर से देखना ये कुछ अच्छा है। भेजा तवा है। ये दोनों चीज़ है, एक ही आइटम है ना? सही है। देखिए पसीने तो आना लाजमी है, हम किचन में जी। मैं जो हूँ रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ शालीमार में। नहीं बिल्कुल, क्राउड को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सही बात है। अच्छा इस साइड में देख रहा हूँ शायद चाइनीज़, ये चाइनीज़ किचन है हमारा पूरा, यहाँ से वहाँ तक। ओके ठीक है, ये तवा सेक्शन है हमारा। चाइनीज़ पसंद करते हैं यहाँ लोग? बिल्कुल, बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक से खाते हैं चाइनीज़। हम सब हम जैसे नहीं होते ना, हम तो मसालों में घुसे रहते हैं, मुगलई में घुसे रहते हैं, लोग चाइनीज़ भी पसंद करते हैं, इटालियन भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मतलब तो बहुत कुछ है, ब्रेन करी ज़रूर ट्राई करूँगा, मुझे बहुत पसंद है। मुर्ग मुसल्लम का नाम बहुत सुना है आज तक, लेकिन बहरहाल हो सकता है इसको भी ट्राई करें। मुर्ग मुसल्लम में क्या होता है सर? इसके अंदर में जो है तंदूरी चिकन होता है, ऑनियन बेस्ड और काजू बेस्ड इसकी ग्रेवी होती है। ये लाइट येलो कलर रहेगा। सबसे ज़्यादा जो है हमारी जो मुगलाई की जो डिशेस है वो लोग काफ़ी पसंद करते जैसे हैं। जैसे कौन सी? जिसके अंदर में है हमारी मटन निहारी है, दाल गोश्त है, डब्बा गोश्त है, मटन खीमा है। ये नहारी है? यस, ये मटन, ये हमारी नहारी है। अच्छा जी, ये नहारी, ये नहारी है, ये बटर चिकन है, मुर्ग मुसल्लम है और ये भेजा। जैसे जैसे एक्सपेंशन हुई वैसे वैसे इन्होंने अपनी इमारत को बढ़ाना शुरू किया होगा। थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है जैसे भूल भुलैया है, लेकिन हाँ आखिर में आके इन्होंने ठीक ठाक ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी हम जो चलेंगे तो वो जो रिव्यू करेंगे वो दस्तरखान एरिया में करेंगे। मेरी ये ज़िद है कि रिव्यू तो मैं दस्तरखान एरिया में ही करूँगा, जो इनका मोस्ट एलिट एरिया, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन वहाँ पर अभी बिज़ी है, सारा रिजर्व है, एक खाली है, लेकिन वो भी अभी 11:30 बजे के लिए रिजर्व है, एक फैमिली आने वाला। मैंने वसीम भाई से कहा, मैंने कहा मैं वेट कर लूँगा,
तो उन्होंने कहा ठीक है आइए वेटिंग एरिया में बैठते हैं। तो साहब ये इनका वेटिंग एरिया है, ये पहला रेस्टोरेंट ऐसा देख रहा हूँ जो सड़क पे अपने कस्टमर्स को वेट नहीं करवाता है, वो यहाँ इज्जत से बिठा के वेट कराते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। देखिए वही बात है कि खाने का जो काम है इसके साथ हॉस्पिटैलिटी जुड़ी रहती है। अगर आप सोना खिला रहे हैं लेकिन आपके अंदर मेहमान नवाजी नहीं है तो वो सोना मिट्टी है, बिल्कुल बेकार है। तो हम वेट करते हैं, थोड़ी देर कैमरा बंद करते हैं, हमारा दस्तरखान खाली हो जाएगा तो वहाँ जाके हम रिव्यू क्या करने वाले हैं। आज इतने खाने हैं इनके यहाँ, इतने खाने और बड़े नए नए नामों के खाने हैं। वहाँ मैंने ब्रेन करी रखी हुई थी कि मैंने कहा भाई मैं ब्रेन करी तो ज़रूर खाऊंगा। सर ब्रेन करी के अलावा और क्या क्या खिलाएंगे आज? सर हमारा जो मेन्यू है वो 500 आइटम से भी ज़्यादा इसमें आइटम्स मौजूद है। खजाना कबाब से हम स्टार्ट करेंगे तो भेजा तवा रहेगा, एक बिरयानी भी आपकी लेंगे। तो वसीम भाई को मेरे ख्याल जाने देते हैं, ये इस रेस्टोरेंट के सबसे बिजी। ये वो पोर्शन है जिसको दस्तरखान कहते हैं, इनका मोस्ट एलीट पोर्शन है ये। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको इसकी एक्सक्लूसिविटी का अंदाज़ा होगा। मुझे लगता नहीं कि हम उसी भिंडी बाज़ार से अंदर आए हैं, उसी एमए रोड से अंदर आए हैं। अंदर आने के बाद आप इतना आइसोलेट हो जाते हैं, आप एक अलग माहौल मिल जाता है और माहौल खाने के जायके पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो इस तरह के जो इनके कैबिन्स हैं उसको ये लोग दस्तरखान सेगमेंट कहते हैं। और ये इनके यहाँ तीन सेगमेंट हैं, एक नॉर्मल नॉन एसी, एक विद एसी बट सिटिंग है टेबल चेयर की, और एक जो मोस्ट एलीट इनका सेक्शन है शालीमार में वो ये दस्तरखान है। यहाँ जो इन्होंने फील देने की कोशिश करी है, इन्होंने हमें ज़मीन पे भी नहीं बैठने दिया, यानी इन्होंने हमें सोफ़ों पे भी बिठाया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि टेबल की हाइट थोड़ी कम है, सोफ़ों की हाइट थोड़ी कम है, और ये बड़ा बड़ी बारीकी से इसको ट्वीक किया गया है छोटी छोटी चीज़ों को। शालीमार को शालीमार बनाती हैं ये चीज़ें। बॉम्बे आएंगे और शालीमार नहीं आएंगे तो बात तो अधूरी रहेगी। खजाना प्लेटर, वाह बड़ी खुशबूदार सा प्लेटर है यार। हमने दिल्ली में एक अलियामीन पे प्लेटर खाया था तो वो अलग टाइप का था, लेकिन ये थोड़ा सा प्रीमियम है। और ये एक मैं इनके दस्तरखान पोर्शन में बैठा हूँ, और आपको ये बात बता दूँ तीनों सिटिंग्स पे सेम आइटम के प्राइस अलग हो जाते हैं, सिटिंग के हिसाब से प्राइस बढ़ जाते हैं। एनीवेज हम इनकी बेस्ट जगह पर बैठे हुए हैं और अब इस इतने खुशबूदार प्लेटर को सामने रखने के बाद इसको ना खाना अपने अंदर एक टॉर्चर है यार। इसको शुरू कर देते हैं बगैर इंतज़ार किए। सर लेग पीस दे दीजिए साहब, वैसे तो ये तीन चार आदमियों के लायक खाना है, हम अकेले खा ही नहीं सकते इसको। What is this? मुमताज। ये है मुर्ग मुमताज। मुर्ग मुमताज, अच्छा। और ये नॉर्मल तंगड़ी कबाब लेग पीस है सर। लेग पीस है, लेग पीस भी ठीक ठाक हैवी सा है यार। कोहिनूर कबाब। कोहिनूर कबाब, ओके। बस अभी इतना ही रहने दीजिए। तो इस तंगड़ी से शुरू करते हैं। नीचे जब हम किचन में थे तो मैंने कहा था कि हर जगह के तिक्के की खुशबू अलग होती है। हमने कश्मीर में जब तिक्का खाया था उसको वहाँ पर तुज कहते हैं, तुज की अलग खुशबू है, अलग मसाले हैं। यहाँ बॉम्बे में जो तिक्का है इसकी खुशबू मुझे बहुत अलग आ रही है। और बाकी जो है नाक अपना काम कर चुकी, अब उसने कहा कि भाई बाकी काम आप ज़बान से लीजिए, यहाँ तक मेरी हद थी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तो अब ज़बान से पूछते हैं जायका कैसा है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, शालीमार की खुशबू जो इसको अलग बना रही है, मेरा जहाँ तक जहन काम कर रहा है। वैसे मुझे अभी तक किसी चटनी अचार की ज़रूरत पड़ी नहीं है, खजाना कबाब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि एक दो कबाब आएंगे। मुर्ग कोहिनूर, देखिए सबके जायके थोड़े थोड़े अलग हैं, सबकी शक्लें थोड़ी थोड़ी अलग हैं। इसके साथ मैं इस चटनी को ऐड करके देखता हूँ, तो वरना अगर चटनी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाया तो चटनी नाराज़ ना हो जाए। चटनी रिफ्रेशिंग है। तो ये है मुर्ग मुमताज। अब ये मुमताज क्यों है फिर वही बात ज़बान बताएगी यार। मुमताज हो ना हो लेकिन ये सेहतमंद बहुत है, काफ़ी हैवी सी
लेग पीस है मुर्गे का, इसके अंदर भी कीमा स्टफ है जहाँ तक मुझे अंदाजा है। जो नीचे इनके टिक्का एरिया में जहाँ ये टिक्के वगैरह बन रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा इसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही थी मुर्गे मुमताज की। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आपको इस एक प्लेटर में मिल जाती है, 1300-1400 रुपये के आसपास ये प्लेटर है, और मेरे ख्याल में अगर आप 2-3 लोग आ रहे हैं तो ये प्लेटर ही आपका पेट भर के भेज देगा यहाँ से। खैर आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी से इसको पूरा करते हैं, हमें मेन कोर्स की तरफ आना है। अच्छा जी, ये बड़ा एक सटल से रंग का है, कोई बहुत ज़्यादा किसी रंगत की तरफ ये नहीं जा रहा, इसका किरदार ज़बान से पूछते हैं। इसके आसपास ही जायका है इसका। खैर पहाड़ी टिक्का बिल्कुल हरा हो रहा है, ये हरा पहाड़ी टिक्का कहलाता है। मिंट इसके ऊपर लगा हुआ है, उसने इसको हरा किया। के इन टिक्कों के चक्रव्यूह से हमें बाहर आ जाना चाहिए और जल्दी से मेन कोर्स की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये टिक्के इतनी जालिम चीज होते हैं कि मेन कोर्स पीछे रह जाता है। मुर्ग मसल्ला, ओके, ये आ गई चिकन बिरयानी, जबरदस्त है। मेरे ख्याल है मुर्ग मसल्लम से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे ये मुर्ग मसल्लम आज पहली बार अपनी हाजिरी दर्ज कराएगा। अब से पहले हमारे पास ये मुर्ग मसल्लम नहीं था। इसमें मेरे ख्याल में होता ये एक तंदूरी चिकन होता है, उसके बाद उसको मसालों में प्रोसेस करते हैं। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है और इसको मैं इस तंदूरी रोटी से खाकर देखूँगा। तंदूरी रोटी बहुत हल्की फुल्की सी और किरदार की अच्छी है, ढीठ नहीं, आराम से टूट गई। बेस जो है वो ड्राई फ्रूट की है, मुर्गे को तंदूर किया हुआ है, ग्रेवी में काजू वगैरह की पेस्ट है और ऊपर से इन्होंने ये एग से इसको गार्निश किया है। इन टोटल बहुत लजीज है। मैं कभी कभी जायका समझाने के लिए कहता हूँ कि ये वो जायका है कि आपकी ज़बान पर रगड़ता हुआ अंदर जा रहा है, यानी इस जायके की इतनी तफसील हमारी ज़बान को महसूस हो रही है कि वो जितनी ज़्यादा डिटेल आती है उतना ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत मज़े का है। और ये फ़िलहाल मैं तंदूरी रोटी से खा रहा हूँ, ये सफ़ेद चावल से भी बहुत अच्छा लगेगा, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। कभी आप यहाँ आएँ तो इसके साथ प्लेन राइस लेकर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी लास्ट में रहते हैं, अभी ये ब्रेन तवा जो है, अब तक जो मुझे सबसे अच्छी ब्रेन करी लगती है टिल डेट, मुझे करीम होटल जामा मस्जिद से अच्छी ब्रेन करी कभी किसी की नहीं लगी। यहाँ जब मैं ये किचन शूट कर रहा था तो ये ब्रेन तवा रखा हुआ मैंने देखा था, ब्रेन तवा या तवा ब्रेन, तो मैंने कहा यार मुझे ज़रूर खाना है। ये मैंने अपनी ख्वाहिश पे मंगाया, बाकी चीज़ें इन्होंने खुद रेकमेंड करी थी मिस्टर वसीम ने। तो ये ब्रेन तवा जो है, पहले मैं इसको अलग मसाले हैं, काफ़ी अलग मसाले हैं, तफसील ये कि ब्रेन है ऑब्वियसली, लेकिन जो मसाले हैं बहुत मुख्तलिफ हैं। रंगत आप देख रहे हैं थोड़ी ब्राउनिश, थोड़ी येलोइश, थोड़ी ब्राउनिश, मतलब बहुत अलग रंगत है। अच्छे से भुना हुआ है, बहुत अच्छी तरह से जो मटन का ब्रेन होता है सॉफ्ट होता है, साइज़ में छोटा होता है, तो फौरन अपनी पहचान बता देता है कि मैं ब्रेन हूँ और मटन ही का हूँ, तो वही समझ के मुझे खाया जाए। बहुत मज़े का मटन ब्रेन है और क्या कहा जाए यार, ऐसा कई बार हो चुका है हमारे साथ कि कुछ खाने बोलती बंद कर देते हैं, उनमें से एक है। जैसी शक्ल इसकी नज़र आ रही है उतना ही मज़े का है, बहुत अच्छा है। अच्छा साहब, ये वैसे तो रिव्यू करने की हद तक मैं इसको खा चुका हूँ, लेकिन इतना मज़े का है कि मैं एक निवाला और लूँगा यार। अगर घर आसपास होता तो मैं ज़रूर पैक करा कर ले जाता, लेकिन घर मेरा बहुत दूर है यहाँ से। खैर हम बिरयानी की तरफ चलते हैं, क्योंकि नाराज़गी हमें किसी की भी बर्दाश्त नहीं है, बिरयानी की भी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बिरयानी है साहब बॉम्बे बिरयानी, इसके नीचे ठीक ठाक मसाले होते हैं
और इसमें बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ ये है कि इसमें ये आलू भी होता है। सबसे पहले मैं आलू निकालूंगा। हाँ, ठीक ठाक मसाला है नीचे इसके। ये चिकन आ गया, मैंने इनको बोला था अगर आप बिरयानी दे तो मैं चिकन की दीजिए। आलू के साथ चिकन और बिरयानी और ये खूबसूरत से ज़ाफ़रानी रंग के ये चावल, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए, जहाँ तक इसकी प्रेजेंटेशन का सवाल है, शक्ल इसकी हैदराबादी बिरयानी जैसी है, बिल्कुल ऐसी होती है हैदराबादी की बिरयानी भी। आपने अभी लास्ट वीडियो देखा होगा हमारी हैदराबाद की बिरयानी का, बावर्ची का, तो उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी थी, बारीक बेहतरीन चावल, इसी कलर का उसमें मसाला भी था। लेकिन दो चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। फिज़िकली ये है कि इसके अंदर आलू एक्स्ट्रा है, और ज़ायक़े की हद तक जो तब्दीली है वो ये है कि इसमें हल्की सी, बहुत खामोशी के साथ, दबे दबे पाऊँ, हल्की सी खटास दाखिल हो रही है। वो खटास इसके ज़ायक़े में बड़ी एक शोखी पैदा कर रही है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और वो इतनी माइल्ड है कि वो बस अपनी झलक दिखाती है आपको और भाग जाती है। तीन खाने इस वक्त टेबल पर हैं। उससे पहले हमने प्लेटर इनका चखा था। ये मुर्ग मुसल्लम, बकरे का ये भेजा जिसको तवा ब्रेन कहते हैं ये लोग, वाकई में तवे पे इसकी जान निकाली गई है और उसके अंदर जान डाली गई है, मसालों के ज़रिए जान डाली जाती है। दूसरी बात, ये दो चीज़ें हमने ग्रेवी में खाई। ये जो बिरयानी है ये अपनी जगह बहुत अलग अहमियत रखती है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने बताया हल्की सी खटास है, वो खटास इसको खूबसूरत और शोख बना रही है। इन टोटल ये कि अब मैं कैमरा बंद करने की जल्दी में हूँ और इस खाने को खाने की जल्दी में हूँ, तो कैमरा बंद करते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा जी, ये मैनेजर साहब ने कहा कि भाई हमारा फालूदा ज़रूर चखिएगा, इस फालूदे में बहुत कुछ तासीरें हैं इनके आगे जायकों की। हालांकि मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, कुल्फ़ी फालूदा कम खाता हूँ, लेकिन इस कदर मोहब्बत से ही आगे रखा गया है कि मैं ना नहीं कर पाया। बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत ही मज़े का है, सिंपली बहुत ही मज़े का है यार। अलग किस्म की मीठा है, मिठास के भी अलग अलग जायके होते हैं। केला भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है, अलग किस्म का मीठा है। तो ये गिलास ख़त्म करने की मुझे इजाज़त दीजिए, उसके बाद नीचे आपसे बात करूँ। अच्छा जी, तो मुर्ग मुसल्लम से लेके फालूदे तक, तवा ब्रेन से लेके बम्बई बिरयानी तक, जो चीज़ भी मैंने खाई वो ज़बरदस्त थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जायकों के ये रंग भी कभी हो सके। बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत मज़ेदार है, और बिला वजह नाम नहीं है। किसी भी जगह का अगर नाम होता है उसके पीछे एक मुद्दत होती है, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। वो सब चीज़ें मैंने आज इस टेबल पर देखी। तो मुंबई शालीमार से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।